हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से हो गए, आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में करते हैं कुछ हैवी ड्यूटी कंपैरिजन, क्योंकि जो वीडियो का टॉपिक है वो भी हैवीली डिमांडेड है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मित्सुबिशी वर्सेस मित्सुबिशी कोई वीडियो बनाया जाए, तो फाइनली मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी वर्सेस मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनर्स के बीच में ये वीडियो होने वाला है। और हम जानेंगे कि हैवी ड्यूटी वाली जो कंपनी है वो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है और जो इलेक्ट्रिक कंपनी है वो क्या यूज़ कर रही है। वैसे तो मित्सुबिशी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में इनकी गाड़ियाँ आ जाती हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया गाड़ियाँ हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी देती हैं, स्टर्डी होती हैं। और अगर एयर कंडीशनर्स की बात करें तो एयर कंडीशनर्स भी इनके कमाल के होते हैं, बाकी जितने भी ब्रांड हैं वो सब इनके आगे पानी भरते हैं। और मित्सुबिशी के एसी अपनी हाई क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस को लेकर हमेशा फेमस रहते हैं और लोगों की पसंद बने रहते हैं। हर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं मित्सुबिशी का एसी लूं, बट ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि बजट थोड़ा सा इनका ज़्यादा होता है, तो हर बंदा इनको अफोर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन सपना सबका है कि मित्सुबिशी एसी हमारे घर में हो, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है इन एसीज की वो बहुत ही कमाल की है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ड्यूरेबल रहता है और हमेशा आपको यह एहसास कराता है कि आपने कोई गलती नहीं करी है मित्सुबिशी एयर कंडीशनर लेकर। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ये नहीं जानते हैं कि मित्सुबिशी के नाम से मार्केट में दो ब्रांड अवेलेबल हैं, एक मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज और एक मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। लोगों को लगता है कि एक ही कंपनी है, दो वेरियंट निकाल रखे हैं, बट ऐसा नहीं है। दे आर एंटायरली डिफरेंट कंपनीज और अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं और अपने अपनी प्रोडक्शन लाइन है इनकी। मित्सुबिशी के एक्सपीरियंस की बात करें तो दोस्तों 1870 से लेकर प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 150 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज जो है ये मदर कंपनी है, इन्होंने एक कारखाना अपना लगाया था जापान में इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह के लिए। बाद में वो जो यूनिट थी वो एक सेपरेट कंपनी बन गई, जिसको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के नाम से आज जाना जाता है। तो दोनों ही कंपनी एंटायरली डिफरेंट हैं, दोनों अपने अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करती हैं और अपने अपने प्रोडक्ट मार्केट में उतारती हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं कंपैरिजन की, और सबसे पहले हम बात करेंगे मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ के प्रोज एंड कॉन्स की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के प्रोज एंड कॉन्स। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट MHI ACs के साथ ये है कि इनके ACs लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और रिलायबल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम इनके एक्सपीरियंस को ही देख रहे हैं, 1870 से कंपनी काम कर रही है, ऑलमोस्ट 150 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी एक्सपर्टीज होगी इनके प्रोडक्ट्स में। तो इसीलिए इनके जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही रिलायबल होते हैं, हाई क्वालिटी होते हैं और हाई परफॉर्मेंस देते हैं, इसीलिए ही इनके जो प्रोडक्ट हैं वो लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। ये प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि आप इनको एक बार ले लो तो ये कहीं नहीं जाते हैं 10-15 साल, और ना ही आपको तंग करते हैं, तो ये इनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है हाई परफॉर्मेंस और लो एनर्जी कंजम्पशन। जी हाँ दोस्तों, MHI के AC इस बात के लिए फेमस हैं कि ये बहुत ही लो एम्पेयर पे चलते हैं, यानी कि लो वोल्टेज पे चलते हैं। लेकिन लो वोल्टेज पे चलने का मतलब ये नहीं है कि ये कूलिंग नहीं करते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं। दोस्तों, वोल्टेज बेशक कम लेते हैं लेकिन परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस देते हैं आपको। आपको जैसे कोई नॉर्मल एसी होगा 1000 वाट पे चलता होगा, ये भी उतने वाट पे ही चल जाएगा, लेकिन आपको जो परफॉर्मेंस देगा वो ऐसी देगा जो उससे 2 गुना ज़्यादा की होगी। तो ये होती है क्वालिटी, और ऐसा होने से आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी सेव होता है, क्योंकि अगर वोल्टेज कम ले रहा है, आउटपुट ज़्यादा दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पावर कंजम्पशन भी कम होगा, तो आपकी जो बिजली का बिल है वो भी इससे फिर कम आएगा। और मेरा तीसरा पॉइंट भी यही है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हो कि ये लो वॉट पे चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे ही। लेकिन MHI के ACs में एक बहुत बड़ी खूबी ये भी है कि बाकी जितनी भी कंपनीज हैं उनके इन्वर्टर ACs में ऐसा होता है कि वो लो वॉट पे चलते हैं या कम बिजली खाते हैं, लेकिन इनके जो नॉर्मल ACs होते हैं वो भी एज़ कम्पेयर टू अदर्स बहुत ही कम एम्पेयर पे चलते हैं, जिससे आपके बिजली का बिल काफ़ी सेव हो जाता है और जो इनकी परफॉर्मेंस है वो हमेशा हाई रहती है। तो इसका मतलब ये है कि बेशक आप इसका नॉर्मल AC ले रहे हो या इन्वर्टर
वाटर एसी ले रहे हो, आपकी जो बिजली की बचत है वो होना बिल्कुल तय है। और चौथा सबसे बड़े पॉइंट की बात करूं तो इनके एसी दोस्तों बहुत ही क्वाइट होते हैं, या यूं कहूं सुपर क्वाइट होते हैं। दोस्तों अगर हम किसी भी एसी को खरीदने के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और उसके बावजूद हमारे कमरे में साउंड आ रही है या कोई आवाज़ आ रही है, जैसे हमें फील हो रहा है कि हाँ कुछ चल रहा है, तो वो पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है। बट मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ आपको सुपर क्वाइट मोड देता है। अगर ये एसी आपके कमरे में लगा हुआ है तो एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके कमरे में एसी चल रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी की मोटर्स यूज़ करी जाती हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के बोश, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं नॉइज़ को कम करने में। और इसीलिए ही बहुत अच्छी क्वालिटी को देते हुए नॉइज़ बहुत कम देता है MHI का एसी। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो हैवी ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, हैवी ड्यूटी नाम में ही इन्होंने जोड़ रखा है, और वो अपने ये एयर कंडीशनर्स में प्रोवाइड भी कराते हैं। हैवी ड्यूटी का मतलब ये हो गया कि इनके जो एसीज होते हैं उनकी क्वालिटी या प्रोडक्शन या उनकी बॉडी, उनके अंदर लगे हुए पार्ट, ये सब हैवी ड्यूटी यूज़ किए जाते हैं ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहें और जल्दी से जल्दी ख़राब ना हो। एसी जो है मित्सुबिशी का, वो अगर आप उसे उठा के देखेंगे तो उसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब जो आउटडोर में चद्दर यूज़ की जा रही है वो भी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की जा रही है, वेट वाइज भी अच्छा है, कॉपर भी अच्छा यूज़ किया जा रहा है। तो हमेशा अगर अच्छी चीज़ यूज़ की जाएगी किसी चीज़, तो वो हमेशा ड्यूरेबल ही रहती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको ये मेंटेन करते हैं, और नाम में ही हैवी ड्यूटी रखा है तो हैवी ड्यूटी की तरफ इनका ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों ये तो हो गई मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ के एसीज़ की प्रॉस की बात। तो चलिए कुछ कॉन्स की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी जितनी भी बड़ी हो कॉन्स तो कोई ना कोई होता ही है उसमें। लेकिन दोस्तों मित्सुबिशी के मामले में ऐसा नहीं है, ढूंढने से भी कोई कमी आपको MHI के एसी में नहीं मिलेगी। बट स्टिल इसमें एक कंप्लेंट आती है ज़्यादातर यूज़र्स की तरफ से कि इनके एसी सर्विस बहुत ज़्यादा मांगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि इनकी जो कॉइल्स होती हैं उनमें जो फिन्स लगे होते हैं वो काफ़ी क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। तो काफ़ी क्लोजली अरेंज होने का यानी कि उनमें गैप जो है वो काफ़ी कम होता है, तो गैप काफ़ी कम होने के कारण वो गंदे जल्दी हो जाते हैं, इसीलिए उनको जल्दी जल्दी साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो वो कॉइल जाम हो जाती है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है। तो ऐसे में ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी सफाई आपको ज़्यादा करनी पड़ती है, केयरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसको अगर सर्विस मिलती रहेगी तो ये आपको हाई परफॉर्मेंस देता रहेगा। तो दोस्तों ये तो हो गई बात MHI के एसीज की या मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ के एसीज की। अब बात करेंगे हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एसीज की, क्योंकि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के जो एसीज हैं वो भी किसी से कम नहीं हैं, वो भी हर मामले में बिल्कुल कंपटीशन देते हैं MHI के एसीज को। तो चलिए उनके प्रॉस की बात कर लेते हैं, और सबसे पहला पॉइंट है उनका ड्यूरेबिलिटी। दोस्तों वैसे तो MHI के एसी भी काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक की बात करूं तो इलेक्ट्रिक में आपको इजी मेंटेनेंस मिल जाता है। अब जैसे मैं फ़ैन कॉइल की बात कर रहा था या कंडेंसर कॉइल या ये जो कूलिंग कॉइल होती है उसकी बात कर रहा था, तो इसमें इलेक्ट्रिक वाले में आपको बिल्कुल ही अपोजिट देखने को मिलता है। MHI में होता है कि फिन्स बिल्कुल साथ साथ में लगी हुई मिलेंगी, गैप बहुत कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक में आपको फिन्स में काफ़ी गैप मिल जाएगा, जिससे एयर फ्लो बहुत ही कमाल का आता है, क्योंकि ज़्यादा हवा क्रॉस करती है तो ज़्यादा हवा आती है। उसके बाद इनको साफ़ करना भी आसान है, गंदे कम होते हैं और साफ़ करना भी आसान है। और दूसरी बात, इसको आप थोड़े दिन के बाद यानी कि ज़्यादा टाइम के बाद भी सर्विस करा सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके कारण इनके एसी ड्यूरेबल बन जाते हैं। क्योंकि अगर एसी गंदा होता है तो उसमें ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी मोटर जाम हो गई, कोई ब्लोअर जाम हो गया, तो इस सब चीज़ों से बचा रहता है एसी और ड्यूरेबल रहता है। और बात करूँ अगर मैं लुक्स की, तो मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एसी बेसिक लुक में आते हैं, कुछ ज़्यादा शोशाबंदी उनमें आपको नहीं मिलती है, क्योंकि कंपनी काम करती है क्वालिटी के ऊपर। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इनके एसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। दोस्तों जितने भी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एसीज हैं वो सब स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस हैं। उनके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो यूज़र्स को बहुत ही ज़्यादा लुभाते हैं और उनके लिए काम करने वाले होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही डाल दिए फीचर।
एक फीचर मैं आपको बताऊं, उनके अंदर एक ऐसा फीचर भी होता है कि आप घर के किसी भी कोने में हो, रिमोट आप ऑपरेट करेंगे तो आपका एसी चल जाएगा। तो ऐसा हर मॉडल में नहीं होता, कुछ मॉडल में अवेलेबल हैं ऐसी चीज़ें, बट ऐसे बहुत सारे फीचरों से भरा पड़ा है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनर। तो बेसिकली ये कह रहा हूँ मैं कि जिस तरह से MHI है वो अपने हैवी ड्यूटी के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर काम करते हैं ज़्यादा, लेकिन मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक जो हैं वो अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, ताकि AC को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए, क्योंकि आजकल ज़माना स्मार्ट है, तो इसीलिए AC को भी स्मार्ट बनाने की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो क्वाइटनेस, यानी कि ये भी AC सुपर क्वाइट होते हैं MHI के कंपेयर में, इनका भी कोई जवाब नहीं है। ये दोनों ब्रांड सुपर क्वाइट, सुपर साइलेंट चलते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कमरे में कोई AC चल रहा है या कोई मशीन चल रही है ठंडा करने वाली। तो इसीलिए सुपर क्वाइटनेस अगर आपको चाहिए तो आप मित्सुबिशी के ऊपर जा सकते हैं, ब्रांड बेशक कोई भी हो। चौथे पॉइंट की बात करूँ तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ACs बनाते हैं, इनके अंदर बहुत सारे ऐसे स्मार्ट फीचर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, आपके लिए बहुत इजी इनका UI होता है समझना, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं होता कि आप समझ ना पाएं, बहुत इजी सा बेसिक सा रिमोट होगा इनका, बेसिक सा मॉडल होगा, लेकिन उनके अंदर जो फीचर्स होंगे वो बहुत ही फंटास्टिक होंगे, जो आपके बहुत ही काम आएंगे डे टू डे लाइफ में। हर मोड के लिए अलग सेटिंग है, मतलब एक तरह से ऑटोमेटिक टाइप होता है, ये स्मार्ट AC बनाते हैं ये, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, बस आप एक बटन दबा दो रिमोट से सारा काम हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं MHI की बात करूं तो उनमें स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को थोड़ा सा कम यूज किया जाता है एज कंपेयर टू मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। तो हमने जाना कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक में कौन कौन सी खूबियां होती हैं, अब चलो इनके भी कॉन्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कॉन्स तो सभी कंपनीज के होते ही हैं कुछ ना कुछ, लेकिन दोस्तों मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की कोई भी कमी ढूंढने से भी नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इतने अच्छे तरीके से वो अपने एयर कंडीशनर को डिज़ाइन करते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, इतने रिलायबल एयर कंडीशनर्स बनाते हैं, ड्यूरेबल बनाते हैं कि आपको कोई कमी देखने को मिलेगी ही नहीं उसमें, सिवाय इस चीज़ के कि उनके एयर कंडीशनर थोड़े से महंगे होते हैं। बट दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ रहा है, रिलायबिलिटी उसमें मिल रही है, ड्यूरेबिलिटी मिल रही है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है, और ऑफकोर्स मित्सुबिशी का ब्रांड मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, क्योंकि OG के लिए भी तो हम इतने पैसे खर्च करते ही हैं, जबकि OG भी हमें बेसिक चीज़ें ही देता है। तो मित्सुबिशी और OG में अगर कंपैरिजन करें तो आजकल मित्सुबिशी सबसे ऊपर आता है, लोगों की पसंद है मित्सुबिशी। इसका मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूं, मैंने अपने चैनल पर एक पोस्ट डाला हुआ था, उसका मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं आपको। उसमें मैंने पूछा था कि OG वर्सेस मित्सुबिशी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वोट आए थे वो मित्सुबिशी के नाम पर आए थे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं मित्सुबिशी की परफॉर्मेंस कितनी हाई होती है और लोग उसके दीवाने हैं। बेशक मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात करूं मैं या मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की बात करूं, दोनों ही कंपनीज़ के AC बहुत ही अच्छे होते हैं। आप किसी भी कंपनी का AC ले लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और आपका जो एक्सपीरियंस है कूलिंग का वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़ के जो ACs हैं उनकी कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। बट अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक की, तो जितने भी और ब्रांड हैं मित्सुबिशी को छोड़ करके, उनसे तो बहुत ही ज़्यादा इनकी कूलिंग कैपेसिटी है दोनों की। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग इलेक्ट्रिक वाले जो कंपनी है उसके AC इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनको मैनुअल सेटिंग वाले ही AC पसंद आते हैं, या फिर बजट के हिसाब से वो वहाँ तक जा नहीं पाते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि हर बंदा जो एयर कंडीशनर के बारे में सोचता है, वो एक बार ये ज़रूर सोचता है कि यार काश मैं मित्सुबिशी ले पाता। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें कौन सा AC लेना चाहिए, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे लिए कौन सा AC बेटर है, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज या फिर मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। तो वैसे तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हो कि आपको कौन सा AC लेना है, बट स्टिल मैं आपको अगर बताऊं कि आपको अगर घर के लिए AC लेना है तो आप मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के साथ जा सकते हो, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं जो कि डे टू डे लाइफ में आपको बहुत हेल्पफुल रहते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ऑफिस के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए, शॉप के लिए AC लेना है, तो आपको MHI का AC लेना चाहिए, यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज़ का AC लेना चाहिए, क्योंकि
उनके जो एसीज होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, वो हैवी ड्यूटी होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल रहते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और MHI और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार, रियली इट वॉज़ वेरी हार्ड टू कंपेयर टू जाइंट्स, बट स्टिल आई ट्राइड। आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को पता लग सके कि मित्सुबिशी दो ब्रांड हैं और दोनों ही अलग अलग क्वालिटी के एयर कंडीशनर्स प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि वीडियोज अब आती ही रहेंगी और आपको नॉलेज मिलती ही रहेगी। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।